पहिए के रिम पर ही तेजी से कार दौड़ा दी, जिसकी वजह से कार से चिंगारियां निकलने लगी। बताया गया कि इंस्पेक्टर शराब के नशे में था और वो उस कार को चलाने लगा जिसमें एक टायर ही नहीं था। लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो बीच सड़क पर तेज रफ्तार से अपनी कार चलाता रहा। टायर न होने की वजह से कार का पहिया सड़क से तेजी से रगड़ता रहा, जिससे आग निकलती रही। ये बेहद खतरनाक था और एक टायर के बिना चल रही कार किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती थी, या इस कार की वजह से कोई दूसरी कार को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो काफी देर तक इस कार को चलाता रहा। हालांकि बाद में कार किसी चीज से टकराकर रुक गई, जिससे कार के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उस इंस्पेक्टर को लोगों ने सड़क के किनारे बैठा दिया। गनीमत ये रही कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो अपने होश में नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को मार गिराया है। बाइक सवार बदमाशों ने चेकिंग के समय एक पुलिस वाले को गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों का पीछा किया। इस बीच बदमाशों ने पुलिस पर फिर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश मार गिराए गए। वहीं बदमाशों की गोली से घायल सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा के सेक्टर 50 में पारदी गैंग की बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिस को चकमा देकर भाग रहे तीन बदमाशों को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले पारदी गैंग मुख्य तौर पर अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ये गैंग दिन में बड़ी इमारतों की रेकी करने के बाद रात को वारदात को अंजाम देता है। देर रात नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पारदी गैंग के चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त आतिश पारदी को इस मुठभेड़ में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह घायल अभियुक्त मध्य प्रदेश के गुना जिले का रहने वाला है। इसी मुठभेड़ में इसके तीन अन्य साथी जो पारदी गैंग के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में दूध की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई। news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक लीटर दूध की कीमत वहां के रुपए में 140 के पार पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत वहां के रुपए में 113 रुपए और एक लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के मौके पर दूध की मांग बढ़ने पर कारोबारियों ने लोगों से मनमाने दाम वसूले। हालांकि पाकिस्तान में सरकार ने एक लीटर दूध की कीमत 94 रुपए तय कर रखी, लेकिन सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी कई शहरों में दूध पाकिस्तानी रुपए में 120 से 140 रुपए लीटर बिक रहा। ब्राजील में अमेजोन के जंगलों में आग पर काबू पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अमेजोन के जंगल में आग लगने के अब तक 1 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें ताजा मामला दक्षिणी ब्राजील का है, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग में सुलगता नजर आया। तेज हवाओं की वजह से आग ने जंगल के दूसरे हिस्सों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग से निकल रहा धुआं एक बड़े इलाके में फैल गया। आग बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। हालांकि आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिखी। रात के वक्त तो जल रहे जंगल और भी खतरनाक नजर आने लगे। ब्राजील के नेशनल स्पेस सेंटर ने अमेजोन के जंगल में आग के करीब 7,000 नए मामले सामने आने की चेतावनी दी।